तो गाइस इस वीडियो को बताएंगे प्लानेट बाय एलएनटी फाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में, किससे लोन लेने का क्या प्रोसेस होता है। ओके, तो सबसे पहले एप्लीकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी डाउनलोड्स आपको दिखाना चाहेंगे। 10 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स है। ओके, और यहाँ पे रेटिंग भी देख सकते हैं 4.4 स्टार। इससे समझ में आता है कि काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। ओके, ट्रस्टेड है। बाकी बताना चाहेंगे ये एप्लीकेशन है RBF टू NBFC एप्लीकेशन है और काफ़ी अच्छी, प्लस पे लोन फैसिलिटी अच्छी मिलती है आपको। ओके, और अच्छे अमाउंट में लोन मिलता है। ओके, यहाँ पे इन शॉर्ट 25-25 लाख रुपए तक के लोन मिलता है। जैसे आपको इसका मतलब आपको बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, और अब यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ओके, यहाँ पे आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। एंड उससे पहले आपको पूरा ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें आपको बताएंगे कि डाउनलोड करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। तो एक बार प्रोसेस आप समझ लीजिएगा, उसके बाद आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एप्लीकेशन खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा परमिशंस के लिए, तो आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये परमिशंस है, लोकेशन है, स्टोरेज, ये सब इसको आपको अलाउ कर देना है। फिर नीचे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपसे लोकेशन के बारे में बोला जाएगा, तो आपको वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपसे बोला जाएगा लैंग्वेज के लिए, तो लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर हिंदी, जो भी आपको सही लगे। ओके, और उसके बाद नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा एंटर योर मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में कोई सा भी एंटर कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, अब यहाँ पे OTP आएगी। OTP आपको यहाँ पे इस बॉक्स में टाइप कर देना है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे बोला जाएगा आपसे चूज पिन। आपको एक 4-डिजिट की पिन बनानी है, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए होता है, जैसे फ़ोन को अनलॉक करते हैं वैसे ही इस एप्लीकेशन को अनलॉक करेंगे, तो यहाँ पे आपको पिन बनानी है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार यहाँ पे आपको पिन यहाँ पे बना लेनी है खुद से, मतलब 1, 2, 3, 4 कुछ भी बना सकते हैं 4-डिजिट की। फिर री एंटर कर देना आपको वही पिन, और फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बोला कि यू हैव सक्सेसफुली सेटअप योर अकाउंट। ओके, अब यहाँ नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ओके, अब यहाँ पे फिर से ओपन होगा, एंड यहाँ पे आपसे बोला जाएगा पिन जो है एंटर करी जो आपने अभी बनाई थी। ओके, और उसके बाद आपको पिन एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन बोली जाएगी यहाँ पे। ओके, पहले यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम टाइप करना है, फिर लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, और फिर ईमेल आईडी दे देनी है। ओके, नेम वेम जो होगा डेट ऑफ बर्थ वही टाइप करेगा जो आपके आधार पैन पे होता है। ओके, और ये डिटेल फिल कर देने के बाद आपको नीचे सेव के बटन पे क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे खुद लिखा भी हुआ है, यहाँ पे अवेल प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 7 लाख, यानी 7 लाख तक की यहाँ पे आप जो है लोन जो है अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2-व्हीलर लोन ये सारी भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आपको स्कूटी बाइक कुछ लेनी है उसका भी आप लोन ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट ओके, अब यहाँ पे आपको आना है यहाँ पे इस सेक्शन में अप्लाई नाउ के। ओके, यहाँ पे जब आएंगे आप तो आपको 2 लिखेंगे, एक मिलेगा इंस्टेंट पर्सनल लोन और एक है 2-व्हीलर लोन। तो इंस्टेंट पर्सनल लोन पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी लोडिंग होगी एंड आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको एंटर करनी डिटेल्स, तो इससे एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी कि कितनी लिमिट आपकी आ रही है, कितने का लोन मिल सकता है। ओके, सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम टाइप कर देना है जो आधार कार्ड पैन पे हो, फिर डेट ऑफ बर्थ, एंड फिर मोबाइल नंबर आपको दे देना है। ओके, ये बेसिक सी डिटेल फिल करनी है, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे जब आएंगे यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगी, वो OTP आपको फिल करनी है, ईमेल आपको दे देना है, पिन कोड दे देना है आपके एरिया का, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लास्ट में आता है पैन। पैन से ही आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है, सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, ये सारी चीज़ें आपकी निकल के आती है, और उससे ही समझ में आता है कि यहाँ पे कितने तक का ये एप्लीकेशन आपको लोन देगी। ओके, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको आई हेयर बाय पे क्लिक कर देना है। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम चेकिंग योर एलिजिबिलिटी। ओके, तो सिंपली आपको नीचे जो बटन दिख रहा है कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरी लिमिट बन के आ चुकी है 90,000 रुपये। ओके, जो कि स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी लिमिट है, क्योंकि मतलब ऐसे एप्लीकेशन बहुत इतना बड़ा अमाउंट नहीं देती है, और बाकी जैसे हमको इसको धीरे धीरे चलाएंगे तो मेरी लिमिट जो है मतलब 7-8 लाख तक की आराम से हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे मांगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया लिमिट कितनी है, 50,000 से 90,000 के बीच में हम कुछ भी लोन ले सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 90,000 रुपये चूज़ कर लिया कि हम 90,000 रुपये ही लोन देंगे। ओके, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखा दे रहे एक बार, हम इस पर क्लिक करा, ये है 90,000 रुपये। ओके, कितने टाइम के लिए, 36 महीने के लिए, यानी 3 साल के लिए। तो क्या डिटेल बन के आ रही है, मतलब कितना इंटरेस्ट क्या लग रहा है, एक बार इस पर आप नज़र डालिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एप्लीकेशन कैसी है। ओके, यहाँ पर इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं।
ओके, सबसे पहले जो है आपका एस्टिमेटेड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 20% का आ रहा है। ओके, उसके बाद उसके नीचे आएंगे ब्रोकन पीरियड चार्ज 630, ये सारी चीज़ें जो लगती हैं, 900 रुपये प्रोसेसिंग फीस। ओके, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, देखनी वो आपको बता देते क्या। ओके, सबसे पहला आपको बैंक में कितना आएगा, बैंक में आएगा 89,100 रुपये, यानी 89,100 रुपये। ओके, और आपको वापस कितना करना है वो आपको ध्यान रखना है, वापस आपको करना है 94,367। ओके, यानी समझ सकते हैं कि मेरे हिसाब से 5,500-5,500 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बस। ओके, यानी 90,000 रुपये का लोन आप 3 साल के लिए ले रहे हैं, उसमें भी आपको इंटरेस्ट इतना कम लग रहा है। ओके, इसमें आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको सही लगेगा तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपको EKYC करनी है, उसमें आपको यहाँ पे डिजी लॉकर से वेरीफाई करना होगा अपना आधार, तो आई ऑथोराइज पे क्लिक करना है और रिडायरेक्ट टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपसे बोला जाएगा एंटर योर आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर आपको टाइप करना है, ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे आधार कार्ड से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आई है, वो OTP हम इस बॉक्स में फिल करेंगे और OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कंसेंट के लिए कि आप जो है बजाज डिजी मतलब जो लॉकर है, ओके, इसको जो है मतलब कंसेंट मतलब इसको शेयर कर देना चाहते हैं कि नहीं, तो आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है, जिससे कि वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करें कि हाँ आप मतलब लेजिटिमेट है कि नहीं। ओके, देन नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे आपसे बोला जाएगा पैन, तो आपको यहाँ पे सिंपली पैन कार्ड नंबर अपना एंटर करना है, फिर फेच के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट, अभी हम देख सकते हैं अपलोडिंग डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे ये हो चुका है। अब यहाँ पे आपको आना है नीचे, यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं बोला कि एड्रेस प्रूफ के लिए आप कुछ देना दे सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, आधार कार्ड से भी हो जाता है, लाइसेंस से भी हो जाता है, तो कुछ भी दे सकते हैं जिसमें आपका एड्रेस हो। ओके, एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे आपको सिंपली फ़ोटो खींच लेनी, जैसे अगर आधार देना चाहते हैं, आधार कार्ड का बैक उस पर आपका एड्रेस होता है, ओके, वो दे सकते हैं। फिर फ़ोटो बोला जाए तो अपनी कोई भी आप फ़ोटो जो आपकी खींच के अपने मोबाइल से भी अपनी खींच सकते हैं। ओके, खींच के दे सकते हैं, फिर उसके बाद आपको एड्रेस डालना है। ओके, अब यहाँ पे देख आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया, पहले बैंक की पासबुक होती है सबके पास, दे सकते हैं आप रेंट दे सकते हैं, रेंट अग्रीमेंट वाला, जॉब कार्ड, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, मोबाइल पोस्टपेड। ओके, इनमें सबसे जो ईजी होता है, क्योंकि आप हर इंसान के पास बैंक अकाउंट तो होता ही है। ओके, तो बैंक की पासबुक का जो पेज होता है वो उसकी फ़ोटो खींच के आप दे सकते हैं। ओके, ये सबसे ईजी हो गया, बाकी आप आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और फिर अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, यानी कि आपको बैंक पासबुक खोलनी है, फर्स्ट पेज जो होता है जिस पे डिटेल होती है सारी, ओके, उसकी जो है फ़ोटो खींचनी है और अपलोड कर देना है, बस इतना काम। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपसे बोला जाएगा एड्रेस फिल कर देना है आपको, जो भी आपके आधार कार्ड के बैक पे होगा, पिन कोड आपको दे देना है, सिटी दे देनी है, स्टेट बता देना है, दैट्स इट, एंड नेक्स्ट पे क्लिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल फिल करनी है, IFSC कोड, बैंक नेम, ओके, बैंक अकाउंट नंबर, और कंफर्म कर देना है। यहाँ पे वो डिटेल फिल करिएगा जिस बैंक अकाउंट में आपको लोन के पैसे चाहिए, ओके, क्योंकि इसी बैंक में आपके लोन के पैसे आएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया है कि एप्लीकेशन तो हमें एक्सेप्ट हो चुकी है, आपको यहाँ पे सिर्फ ई साइन करना है, तो आई हेयर बाय पे क्लिक करना है और OTP वेरिफिकेशन कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी ई साइनिंग हो रही है, तो आपको यहाँ पे साइन नाउ पे जो है क्लिक कर देना है, जैसे OTP वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा काम जो है ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे सिंपली हमको प्रोसीड करके वो जो है प्रूफ डिसबर्स पे क्लिक कर देना, तो हमारा जो लोन अमाउंट है वो डिसबर्स हो जाएगा बैंक में और 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ओके, ये पूरा प्रोसेस है, इस एप्लीकेशन को आप चेकआउट कर सकते हैं, अच्छी एप्लीकेशन है, बाकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वीडियो को एंड करें, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।